उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बता दें कि शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने जसपुर में विकास को लेकर कहा कि पिछले दौर पर जब मैं यहां आया था तो 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, जिसमें पेयजल योजनाएं, सड़क का निर्माण शामिल था। उसके बाद अनेक योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और क्षेत्र के बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, अब उनको आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इतने सारे जो काम है जो हम लोग कर पा रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारे ऊपर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और पूरे उत्तराखंड के साथ उनका आशीर्वाद है। उत्तराखंड के साथ उनका जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने जो भी योजनाएं उनको अपने राज्य के लिए निवेदन की, वो सारी की सारी योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। उसी का परिणाम है, चाहे आज सड़कों का क्षेत्र हो, हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो या रेलवे का क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों में हमको अभूतपूर्व रूप से गति मिल रही है, क्योंकि उनका लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने भगवान बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि ये तीसरा दशक हर दृष्टि से उत्तराखंड को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का होगा, आगे ले जाने का होगा। इसलिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे सड़क, रेल, पेयजल, धार्मिक स्थलों के विकास, इन सब पर काम कर रहे हैं। मोदी जी के मार्गदर्शन में पूर्ण सहयोग से हमारी राज्य की सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में हर तरह से आज हमारे प्रधानमंत्री जी हमारा सहयोग कर रहे हैं। अब हमारी बारी है कि अब हमने आज यहाँ से जाने के बाद यहीं से एक संकल्प लेकर जाना है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। उत्तराखंड राज्य की भी भूमिका है, जैसे गिलहरी ने भगवान राम के राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया। आप सबको पता है कि जब भगवान राम राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस समय बड़े बड़े इंजीनियर उनके नल, नील, अंगद, जामुन, धनुमान, सब कोई लकड़ी ला रहा था, कोई सरिया ला रहा था, कोई ईंट ला रहा था, कोई गारा ला रहा था और राम सेतु का निर्माण कर रहा था। दूर खड़ी हुई गिलहरी ये देख रही थी कि इतना महान कार्य हो रहा है, भगवान राम राम सेतु का निर्माण करवा रहे हैं, मेरी इसमें क्या भूमिका हो सकती है। उसने देखा कि जब वो राम सेतु का निर्माण हो रहा है तो कुछ छिद्र ऐसे हैं जहां से पानी निकल रहा है, वो छिद्र बंद नहीं हो रहे थे। तो उसने सोचा कि इन छिद्रों का बंद करने का ये दायित्व तो मेरा है, मुझे भी इसमें भूमिका निभानी चाहिए। और गिलहरी ने पानी में डुबकी लगाती है, समुद्र में डुबकी लगाती है, अपने आप को भिगाती है और बालू में लेटपोट होकर उन छिद्रों को बंद करने का काम करती है। उसी प्रकार की भूमिका हम सब लोगों को भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस महायज्ञ में हम सबको अपनी आहुति देनी है, अपना योगदान।